हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो करो। फिजाओं के अंदर जो पतंग लहराई थी, आने वाले समय के अंदर, आने वाला 2022, उसी तरह हम विधानसभा चुनाव की तैयारी की आगाज कर रहे हैं और एमआईएम का परचम जिसके ओपनिंग में सदर साहब शमशाद खान पठान, दानिश भाई कुरैशी और यहाँ की पूरी टीम 31 तारीख को जुमा के दिन 3 से 4 में हम एमआईएम की पतंग को फिजा में लहराने वाले हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पूरी टीम वहां पर हाजिर रहे और एमआईएम की पतंग को ऐसी लहराए कि विधानसभा के अंदर हमारी सीट 5 नहीं 10 आए। इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश है 31 दिसंबर जुमा के दिन 3 से 4 जमालपुर विधानसभा में आपको सबको आना है, जहाँ पे पूरी टीम हमारी मौजूद रहेगी, सदर साहब मौजूद रहेंगे और एक ऐसा आगाज करना है कि कांग्रेस तो क्या, बीजेपी से क्या, भाजपा तो क्या, धर थरा लेकर जाए। जिस तरह से हमने कॉर्पोरेशन के अंदर 39 वोट से हम हारे, लेकिन हम हारे नहीं है, हम अपनी जीत कबूल करते हैं, हम जीते हुए हैं। इन लोगों को धर थरा दिया हम लोगों ने। दोस्तों 31 तारीख को आप आए और एमआईएम का परचम लहराए, हम साथ में मिलाएंगे ना भाई, आएंगे ना सर, इंशाल्लाह। एमआईएम जिंदाबाद। यहाँ पर मौजूद हैं तो सबसे पहले लालच मेरे मन में ही जागा था कि मैं अहमदाबाद के कुछ होते सदर साहब की मौजूदगी में यहाँ पर दे दूँ, तो वो कुछ होते हैं वो मैं जल्दी जल्दी दूंगा कि हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने और मजलिस के बहुत समर्थक हैं, साबिर भाई के भी बहुत पुराने सपोर्टर हैं, मैं बरकत भाई कुरैशी जो कि बहरामपुरा में रहते हैं, मैं उनको अहमदाबाद शहर में मेरे उपप्रमुख के तौर पर अपॉइंट कर रहा हूं। मैं समझ रहा हूं सदर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनका लेटर देके भी, अरे मैं दे रहा हूँ इधर भाई, इधर हाँ हाँ ले, अभी आएगा नाम। मैं कार्यकर्ता बहरामपुरा में बहुत मजबूती से काम किया था, वैसे मोहम्मद रफीक अब्दुल सलीम शेख उनको अहमदाबाद शहर के महामंत्री के तौर पर मुबारक हो रफीक भाई, कांग्रेचुलेशन भाई, मजबूत साथी और एक मजबूत दोस्त जो साबिर भाई के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, अयूब भाई हमारे, उनको सदर साहब को कहूंगा कि उनको खेल पहनाकर स्वागत करें। नहीं नहीं यही सही भाई, ये बराबर है, इधर ही इधर है सब आगे बढ़ो, थोड़ा यूं ठीक था, आज जगह खराब है, वो साइड चले जाओ, मुबारक इधर ही जाओ, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी तकरीर हुई है राज की है, यानी किसी एंगल से कोई बात छूटी नहीं है, हमारे शमशाद खान साहब, हमारा दानिश कुरैशी साहब, हमारे सदर साजिब भाई काबलीवाला साहब और भी कई बहुत सारे हमारे प्रवक्ता जैसे बोलने वाले हैं, इन्होंने किसी एंगल से कोई बात को छोड़ा नहीं है,
और हम उससे खुश है इनकी बातों से। और एक भाजपा और कांग्रेस वालों के लिए शेर हो जाए मंजर भोपाली की आवाज में, आपकी गुलामी का मौज हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का मंजर भोपाली मौज हम न ढोएंगे, आपसे बहुत आगे नक्स पा हमारा, आपसे बहुत आगे नक्स पा हमारा है, ताकते तुम्हारी है और खुदा हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और प्यार मोहब्बत के साथ कोई नाश्ता पानी झगड़ा ना करे अपने आप के अंदर, और यही चाहता हूँ मैं बदसलाम। एक और हमारे मंजन के पुराने साथी और साबिर भाई के साथ उनके पुराने समय से कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले यूनुस भाई को मैं अहमदाबाद शहर के मंत्री के तौर पर, यूनुस भाई को सर साहब प्लीज बनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये जो हमको जवाबदारी हमारे गुजरात के सदर साहब जनाब खाली भाई का है, हम तो मजलिस के खादिम और शहरी पहले भी थे है? और अल्लाह तबारक तआला जब तक इस दुनिया में रखेगा तो हम मजलिस के खादिम बन के रहेंगे इंशाल्लाह, और मजलिस की खिदमत करते रहेंगे, मजलिस का काम करते रहेंगे इंशाल्लाह, सभी समाज को साथ में लेकर। ऐसा नहीं कि एक ही समाज, चाहे वो कोई भी समाज, दलित समाज हो वो भी भाई है, कुछ भी समाज का साथ में लेकर हम मजलिस का काम करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले विधानसभा में इनका मुंह काला करेंगे हम इंशाल्लाह। अब मैं हम जिस तरह से अलग अलग फील्ड से लोगों को चुनते हैं, तो खारिया वोट में कई लंबे समय से खारिया वोट की जिम्मेदारी देनी बाकी थी, तो हमारे जाबाज पत्रकार और सभी समाज के लोग ईमानदारी के साथ अपने न्यूज पोर्टल के ऊपर चलाने वाले साबान भाई हड़किया को खारिया बोर्ड प्रमुख के तौर पर हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं। मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साबान भाई को खेस पहना कर उनका पार्टी में स्वागत करें। साबान भाई से देखो, साबान भाई तुम आगे पढ़ो, तुम्हारे साथ है। ओके, संगठन के अलग अलग हमारे भाई बड़े मेरे साथ ऐसे ही हमारे बड़े भाई और भाई जगह तो पीछे जगह दो, जगह जगह पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी के लिए मदद करनी हो। हाँ भाई बोलो। और शहर के जाने माने आर्किटेक्ट और इंजीनियर बड़े भाई शहीद भाई को मैं चाहूंगा कि सदर साहब खेत पहना कर उनको पार्टी में शामिल करें। शहीद भाई हमारे युवाओं के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर हैं, जहां पर वो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। मैं चाहूंगा कि शहीद भाई मौके पर दो मिनट में अपनी बात करें। शहीद भाई सबसे पहले तो मैं जनाब साबिर भाई कामलीवाला साहब, समसाद भाई और दानिश कुरैशी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज खेल पहना कर मजलिस में ऑफिशियली एंट्री दी है। ये तकरीर का वक्त नहीं है, आप लोगों को सब बहुत जानकारी है, इंशाल्लाह कभी मौका आएगा तो बोलूँगा। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा ये राजकारण में ये पहला मेरा पगला है, इसके पहले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कभी नहीं जुड़ा हूँ, तो पहली जो आज ये पगला रखा है वो मजलिस में रखा है। इंशाल्लाह मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है
लेकिन जो भी मजलिस और इसके जो सदर साहब हैं उनको जो भी जिम्मेदारी देंगे तो एक खादिम के तौर पे इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। शुक्रिया। मैं अहमदाबाद शहर के युवा प्रमुख से कहूँगा कि वो आए और अपने होते दें। दीपू भाई अध्यक्ष होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी दो ही बोलिए, ज्यादा ना बोलिए, बोलो एक ने दो। मैं सबसे पहले हमारे सदर साहब के साथी भाई काफी वाले का शुक्रगुजार हूँ, शमशान खान पठान साहब का और हमारे युवा प्रेसिडेंट सिद्धू भाई का जिसने मुझे शादी समझा और मुझे अहमदाबाद शहर का युवा का उपरांत बनाया। तो तमाम साथी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह तमाम विधानसभा के अंदर जितने भी युवा साथी हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इंशाल्लाह जो हमारे सदर साहब का सपना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते विधानसभा में उसको हमें पूरा करना है इंशाल्लाह। क्या दे दूं? केस केस किनारा। हाँ बोल रहे हो? ओके। है लीगल सेल, तो लीगल सेल के अहमदाबाद शहर प्रमुख से कहूँगा कि वो अपने ओहदे जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम। शहर की बॉडी के अंदर जनरल सेक्रेटरी के रूप में जनाब साबिर सेख को हम होता देंगे। मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि सदर साहब और सिटी प्रेसिडेंट उन्हें ये होता थे। जो हमारे बहरामपुरा वोट से एडवोकेट है मैं उनसे गुजारिश करूँगा, रियाज शेख एडवोकेट अभी और जो बहरामपुरा वोट से रियाज शेख एडवोकेट मैं उनसे और मकसूद भाई को भी गुजारिश करूँगा बहरामपुरा वोट से वो हाजिर हो। थोड़ा राउंड बड़ा कर दो भाई, 26 इधर देखो, इधर देखो, इधर खड़े रहो, बस बस इधर देखो बस। ओके बस नहीं बाबू साहब युवाओं ना होता अपना बाकी है, तुम्हारी जरूरत पड़ से
आपको जब होगी जब ये अपनी काबिलियत बता के मजलिस को आगे ले जाएंगे। अगर हमारे शहर प्रमुख शमशाद खान पठान अगर कोई मीटिंग करते हैं तो वो मैं चाहती हूँ मेरे भाई जो जॉइंट हुए मिनिमम 15-20 नहीं लेकिन 10 से उम्मीद करती हूँ वो एक इंसान के साथ 10 इंसान आए इंशाल्लाह और अपने अपने संगठन बनाते हुए आगे बढ़े। कौन बनेगा करोड़पति की तरह आज सबका लकी ड्रॉ निकला है लेकिन लकी ड्रॉ में आप जब भी पास होंगे जब आप मजलिस का संगठन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओगे इंशाल्लाह। उत्तर दिया जा रहा है सभी के मन चाहिए सुनील भदुमरा बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत बहुत ही हम देखते रहते सोशल मीडिया पे तीन महीने दो महीने का काम जनाब मोहम्मद अयाज एम सैयद अयाज भाई सैयद मोहिद्दीन हुसैनी नहीं सही जनाब फहीम खान मलिक साहब को सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। फहीम खान की मैं क्या तारीफ करूं फहीम खान ने बूथ जनाब वली मोहम्मद ए समा साहब को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बापू फिरोज भाई बूथ के हमारे इंचार्ज अकरम एन सिंधी एक और हमारे बूथ के मक्तमपुरा वार्ड के इंचार्ज को हमारे कॉर्पोरेटर्स हमारे पदाधिकारियों तक पहुँचाना हमारे म्यूनिसिपल काउंसिलर जैनब बापा उनके हाथों से हमारे शहर प्रमुख के हाथों में उनके हाथों से अक्रम भाई को ये होना देंगे। अदनान उसका रिजल्ट है हमने तीन तीन काउंसिल वहाँ पे जीता है। अदनान भाई सेठ को भी बूंदी चार्ज बनाया जाता है। अक्रम भाई सोलंकी को बूथ इंचार्ज बनाया जाता है। बस हो गया सही है जावेद मिया फोटो ले गणेश कहाँ वो उनकी उनके हाथ में फोटो पड़ने का चलो गणेश शहीद भाई साहब भी शहीद भाई को भी बुला लीजिए फोटो पड़ने का ये गड़ाप दिखे अरे ये अच्छा लगे ऊपर चलो ये परफेक्ट है हाँ। मिलो गले मिलो ये अब आदमी लाके खड़े रहो बस एक मिनट फोटो पाड़ लो हाँ। नमस्कार मैं हूँ रवि दुबे और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज़ गुजरात। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी ऐसा न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुँचाते रहें।